हमारे बीच में गदाधर महतो जी हैं समाज सेवी, हम उनको आमंत्रण करना चाहेंगे, वो दो शब्द हमारे बीच में रखिए आज के इस खबर की शुभारंभ के उपलक्ष्य में। आज के इस पाठ्यक्रम खबर शुभारंभ में आए हुए हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग, शिक्षकगण और आज के इस मंच के संचालनकर्ता जगतपाल जी, मैं आशीष टीम के सभी उनके प्रेस रिपोर्टर को हार्दिक अभिनंदन एवं झारखंड जोहार करता हूं। तो आप लोगों को यह पता होगा ही कि आशीष जी का नाम इस क्षेत्र में बहुत कौमी ऐसे आदमी हैं जो नहीं जानते हैं। क्यों जानते हैं इसका नाम को? इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से जो नहीं होने वाला काम को भी सफल करके दिखाते हैं। जैसे जीता जगता उदाहरण है, चाहे अमन ध्रुव वाला जो कांड का आप लोगों को मालूम ही होगा, चाहे बिंदा देवी वाला आप लोग न्यूज में देखे ही होंगे, चाहे मुनिराम जी मातो जो विच्छित थे, आज आशीष कुमार जी के द्वारा उनका समुचित इलाज हो रहा है। इसमें हम सभी को भी सहयोग करने की अपील है। आज सोचने की बात है, आज मैं खास करके फिर और एक बात आप लोगों को दोहराना चाहता हूं कि बुंडू प्रखंड में दकड़ी ही एक ऐसा गांव है जहां सभी लोग कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वहां के रास्ता के बारे में आप लोग शायद आज 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, किन्हीं के द्वारा होल नहीं हो पाया, लास्ट में अंत में हार थक करके हम लोग आशीष से संपर्क किए। इन्होंने हमारे इस रोड को एक बार नहीं कई बार छापे, अंत में किन्हीं के द्वारा वहां मुरीमीकरण किया गया और अभी उस दर्दन से हम लोग निजात पाए हैं। इसके लिए भी मैं आशीष जी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस पंचप्रगणा जो खबर आ रही है, इसमें हम लोगों को खुशी की बात है और हम लोगों सभी को सहयोग करने का, जहां भी आशीष जी को कठिनाई होगा हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग इसको हर संभव मदद करेंगे। इन्होंने दूर दूर तक जाकर के अपने बाइक से जो रोड नहीं बना है, किसी का ऐसा मैटर रहता है जो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, वो भी निसंकोच होकर आशीष कुमार जी को ही अंत में पकड़ते हैं, बोलते हैं कि भैया ये काम मेरा होना चाहिए और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि मेरा हर प्रयास रहेगा आपका काम करने का, चाहे जो भी सच्चाई जो है वो सच्चाई के पीछे ही कभी भागते नहीं है, ऑन टाइम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए आज सर्वप्रथम आशीष कुमार परमाणी आशीष न्यूज के नाम से जाने जाते थे, इससे एक सीढ़ी बढ़कर न्यूज टॉक के नाम से जाने जाने लगे और आज ये पांच प्रेरणा खबर के नाम से जाने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये और बढ़ चढ़ के एक इंटरनेशनल लेवल तक जाने का काम करेंगे, इसमें जो भी सहयोग करना रहेगा हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गदाधर जी, और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी ये सही है कि आदमी के पास में अखबार देखने का, कुछ लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रमाणिकता है वो एक अलग ही लेवल में लेके जाती है। हालांकि आज कालांतर में समय के साथ बहुत कुछ बदला और बदलते हुए परिवेश में हर चीजें बदलती हैं, लेकिन अपनी एक जो खुशबू है वो बिल्कुल खत्म नहीं होती। और अखबार आज जैसे कि आज हमारे पास फिजिकली है, तो धीरे 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 हम इसको डिजिटली फॉर्म पर करके आएंगे ताकि और भी लोगों को सुविधा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में आमंत्रण करना चाहूंगा